फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, मैं सोनू पहाड़ी आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग के साथ आज जुड़ रहा हूँ। और मैं आज गया हूँ अपने नैनीहाल। तो फ्रेंड्स ये सामने मेरा नैनीहाल है और जस्ट इसके आने वाला मेरा नैनीहाल अभी थोड़े से दूर टाइम में, मतलब कुछ ही मिनटों में अपने नैनीहाल पहुँचूँगा। और मेरे नैनीहाल में रहते मेरे कौन कौन लोग रहते तो आप लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ है, ये है मेरे नैनीहाल का कुछ दूर से ऐसा नज़ारा। तो आप देख सकते हैं सामने कितना सुंदर व्यू है। और ये है जो जो मेरे नैनीहाल को एक ये आती है द्वाराहाट से, और ये जाली से जो लिंकर रोड है इसका लिंक नीचे है, ये विधायक कोटे वाली रोड है। और एक जस्ट नीचे आपको रोड दिख रही है वो रोड है गवर्नमेंट रोड है, जो जिसमें अभी डामरीकरण होना बाकी है। तो फ्रेंड्स आपको लेके चलता हूँ अपने नैनीहाल। तो फ्रेंड्स ये सामने जाना है, तो आपको दिखाते हैं आज अपने नैनीहाल का कुछ सुंदर व्यू। और धूप आ रही है, जा रही है, मज़े ले रही है धूप भी, आज खट्टा मीठा मतलब महसूस हो रहा है आज बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये अभी कुछ ही दिन पहले रोड कटी है, तो इस वजह से आपको रोड पे मलबा दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स ये है गधेरा, तो आप देख सकते हो बस से पानी आता है, बरसात के सीज़न में काफ़ी पानी रहता है और जो रोडों में आ जाता है। तो आप रोड की हालत देख कर जान सकते हैं कि कितना पानी रहता होगा उस टाइम पे। यहाँ पे गाड़ी पास होने में काफ़ी दिक्कत होती है जब यहाँ पे बरसात के मौसम में या अदरवाइज बारिश वारिश होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश, और नीचे भी नीचे एक सुंदर एक पानी का नाला है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो इससे पहले मैं आपको इस रस्ते से लेके चलता हूँ रोड टू रोड। तो फ्रेंड्स काफ़ी सुंदर नज़ारा मेरे नैनीहाल का। तो मैं जा रहा हूँ अपने नैनीहाल। कुत्ता भौंकने लग गया है। तो फ्रेंड्स पहाड़ी एरिया जिसमें, और आप देख सकते हो ऊपर सुंदर सुंदर नींबू। और ये अमरूद का पेड़, और ये इसका नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। और फ्रेंड्स ये मेरे नैनीहाल का रास्ता काफ़ी सुंदर दिख रहा है, जो ये छोटी छोटी गलियाँ जो मेरे नैनीहाल वाले घर में जाती हैं। और काफ़ी एरिया जो है नैनीहाल काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी जनसंख्या भी है। और अभी हाल ही में कुछ बदलाव भी हुए यहाँ पे फ्रेंड्स, तो को दिखाते हैं। ये है, इनको बोलते हैं लुट बोलते हैं, जो घास इकट्ठा करते हैं लोग। ये असोज के टाइम पर घास काटी हुई होती है तो उसको लोग इकट्ठा कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, मतलब गर्मियों के सीजन में जब घास नहीं होती है हरी घास, तो सूखी घास देते हैं गाय भैंसों को। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा नज़ारा है मेरे नैनीहाल का, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं पहुँच चुका हूँ नैनीहाल, आने वाला है बस कुछ ही पल में आपको मेरा नैनीहाल वाला घर देखेगा। और जो आपको सस्त नीचे दिख रहा है वो मेरा नैनीहाल है। अम्मा नमस्कार, हवा नमस्कार, क्या कर हमशा बढ़िया। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं नैनीहाल में, और देख सकते हैं सामने ये मेरा नैनीहाल है। ये मेरे मामा हैं जो खेत में पानी दे रहे हैं, तो काफ़ी सब्जियां हुई है आज मेरे नैनीहाल में आज। फ्रेंड्स ये एंट्री ले ली है, मामा नमस्कार, ये मेरे मामा, और पौधों को पानी देके आ चुके हैं। और ये देख सकते हैं सामने गद्दू। तो फ्रेंड्स ये है मेरा नैनीहाल का घर,
तो देख सकते कितना औसम लग रहा है, तो गजब का। और सामने देख सकते पहाड़ गजब से। ये मेरी मामी है, आज बन रहा है जोई भात बन रहा है यहाँ पे है। और फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं इधर का नज़ारा कैसे है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी और इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स, और ये ऊपर मंदिर हो गया, इधर बाथरूम है, और ये छान हो गया। तो फ्रेंड्स और इधर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा ननिहाल का दृश्य अपने। और ये सामने नीचे की पक्की रोड है जो कुछ दिनों में पक्की हो जाएगी, डामर हो जाएगा इसमें। और ये सामने है पहाड़, खूबसूरत मज़ेदार मौसम। सामने देख सकते हैं कितने अच्छे गांव लग रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप बैगन यहाँ पे, और मामा लेके आ गए हैं मूली मेरे लिए। तो फ्रेंड्स सबको दिखाते हैं मूली, पहाड़ों में आजकल मूली का सीजन चल रहा है काफ़ी। तो ये मूली है, मूली दिखा दो मामा जी। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स मूली के जड़ देखो, आहा हो गया। और तो ये है कुछ ऐसा यहाँ की सीनरी, काफ़ी अच्छी सीनरी यहाँ की। और ये लग रहे हैं खूबसूरत फूल यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहाड़ी, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये तुलसी का पेड़ हो गया, ये फूल हो गए। और ये है मेरी मामी बना रही है झोई, झोई बना रही है, भात बनाई है अभी, झोई बन गई, बन रही है अभी, तड़का लग रहा है इसमें झोई में। और ये इसको बोलते हैं प्योली का फूल बोलते हैं, पीले कलर का, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को पीला कलर। और काफ़ी अच्छा इसका एक लुक बना है गेट पे। और तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं लहसुन और प्याज और मेथी की फसल है इस बार। ये केले का पेड़ हो गया। तो ये है कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ से ननिहाल का, खूबसूरत लग रहा है मौसम। और ये कद्दू रखे हैं, इनको तब खाते हैं जब कभी सब्जी कम हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ का अंदर का नज़ारा। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा है देख सकते हैं आप, है ननिहाल, तो काफ़ी हाँ अंदर अंदर। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा है ननिहाल मेरा। तो सामने टीवी रखा है, और ये एक अंदर का रूम हो गया जो बंद है अभी, और एक ये रूम होगा ये खुला है। और ये मेरी नानी है, और ये मेरी नानी और नाना साथ में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मेरे नाना हो गए। तो फ्रेंड्स तो गजब का लुक यहाँ पे, और यहाँ से सामने से बाहर का नज़ारा कुछ अलग ही है। बाहर धूप आ रही है, जा रही है, तो ऐसा है कुछ नज़ारा यहाँ से। मामा ने मूली छील दी है, झोई बन गई है। अबू बंदर खाने के लिए रखा है ये, अबू ये हमारा डब्बू है, देख सकते हैं प्यारा डब्बू रखा है इसका नाम, ये रखवाली करता है पूरी घर की। तो ये देख सकते हैं मामा और डब्बू। ये देख सकते हैं कितना वफादार है ये डब्बू हमारा, कुछ नहीं कहता है। तो फ्रेंड्स ये है, आ गया है डब्बू। हाँ मूली भी काट दी है, मूली ऊपर रखी है, ये रखी मूली।
हमारा यीशु आ गया है, यस्सु कॉलेज से आ गया, यस्सु हमारा यस्सु आ गया कॉलेज से। तू जय भी नहीं बोल रहा? ओहो अरे बैग दे, चल पानी बोतल का तू चलो। क्लास शुरू से भूमि भी आ गई है कॉलेज से। ए भूमि क्लास शुरू से चलो। तेरे बुखार ठीक नहीं हुआ? आप आए चलो। तो फ्रेंड्स ये आ गए हैं कॉलेज से, इनको लेने आए थे। तो इस पर आज क्या पढ़ा तूने? पढ़ाई की तुम लोगों ने स्कूल में आज? क्या पढ़ाई की? क्या यीशु तू कुछ नहीं बोल रहा? मुझे तो पता नहीं होता वो टीचर को। ये खाली घूमने क्या होगा वहाँ? तो हैंड्स देख सकते हैं आ चुके हैं।